इग्नू के तरफ से जनवरी 2022 सेशन का बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम ओडीएल यानी कि ओपन से करना चाहते है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आपको इग्नू के इस वेबसाइट से ऑनलाइन करवाना होगा और एंट्रेंस एग्जाम रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो आपको बताया गया है 17 अप्रैल 2022। इससे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जब आप इस वाले वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस बताया जाता है तो यहाँ पर आपको एक चीज बताया गया कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका रहेगा 1,000 रुपए और ये जो फीस है ये है नॉन रिफंडेबल यानी कि ये फीस आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप इग्नू से बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड प्रोग्राम ओडीएल मोर में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसे आपको इग्नू के वेबसाइट पर ही बताया गया है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो पहले आपको प्रोग्राम के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये 2 साल का प्रोग्राम है, इसे आप 2 साल में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एडमिशन है वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। तो 5 साल में अगर आप बीच में पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं तो 5 साल तक आपका एडमिशन वैलिड है, कभी भी आप अपना प्रोग्राम कम्प्लीट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन है 2 ईयर और 2 ईयर में आप इसे कभी भी कम्प्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका प्रोग्राम है यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का जो प्रोग्राम है ये आपको इग्नू की तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही ऑफर किया जाता है। आपको कौन से मीडियम में करना है ये आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त बताना होगा और साथ ही में ये जो बीएड प्रोग्राम है इसका फुल प्रोग्राम का फीस है यानी कि 2 ईयर का जो फीस है वो है 55,000 रुपए और ये फीस आपको अभी सबमिट नहीं करना होगा। अभी आपको सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन फीस है 1,000 रुपए सिर्फ वही देना होगा। ये फीस आपको यानी कि फुल प्रोग्राम का फीस 55,000 रुपए आपको कब देना होगा अभी आगे वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपका बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी से या फिर किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है साइंस या फिर मैथमेटिक्स से तो ऐसे में आपका 55% नंबर होना चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट का एक और कंफ्यूजन रहता है कि हमारा बैचलर डिग्री में 50% नंबर नहीं है लेकिन मास्टर डिग्री में 50% या फिर उससे ज्यादा नंबर आपका है तो आप बीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इसके अलावा ये भी आपको बताया गया है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर के है या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है तो बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में आपका जो है 45% नंबर होना चाहिए और अगर आपने बीटेक किया है या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है तो ऐसे में आपका 50% नंबर होना चाहिए। तो रिलैक्सेशन आपको किस तरीके से दिया जाएगा वो आपको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ ये एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अलावा और भी क्राइटेरिया है क्योंकि यहाँ पर आपको एंड बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया बताया गया है इसके साथ साथ जो और भी क्राइटेरिया है बीएड में एडमिशन के लिए वो भी आपको पूरा करना होगा, जैसे कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोग्राम है ये आपने किया हो। इसके अलावा जो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड द्वारा जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है वो अगर आपने फेस टू फेस मोड में कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड द्वारा जो बीएड में एडमिशन के लिए जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है उसका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे मैंने एनसीटीई के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, इसका लिंक भी नीचे दिया गया है, आप भी इसे डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन का प्रोग्राम ओपन से किया है या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड यानी कि ओडीएल से किया है या फिर कोई भी और टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है जो आपने ओडीएल यानी कि ओपन से किया है तो इसे जो है बीएड में एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये जो आपका प्रोग्राम है वो रेगुलर मोड से होना चाहिए यानी कि फेस टू फेस मोड में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि जो
टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है वो NCTE रिकॉग्नाइज्ड द्वारा जो मान्य है। अगर आपने टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में कम्प्लीट किया हुआ है तो बीएड में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम कम्प्लीट कर रखा है तो जो सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, ये आपको अपलोड करना होता है। तो इसीलिए जो आपका टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है वो फेस टू फेस मोड में कम्प्लीट हो रखा है। फेस टू फेस मोड वही होता है जिसमें आपको स्कूल में जा करके पढ़ाना होता है। तो अगर आपके पास फेस टू फेस मोड वाला टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम आपने कम्प्लीट कर रखा है तो आप बीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और जब आप इंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और जब भी आपका एग्जाम होता है तो आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। और जब आप एग्जाम दे देते हैं यानी कि इंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम में आपको पास भी होना पड़ेगा। और जब आप इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से, जिसमें आपको बताया जाता है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद जो बीएड में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपको करवाना होता है, जिसके लिए आपको रीजनल सेंटर पर जाना होता है। और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ही आपको रीजनल सेंटर पर जाना होगा। वहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा। और उसके बाद जो फुल प्रोग्राम का फीस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फुल प्रोग्राम का फीस 55,000 रुपए, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा। अब डिमांड ड्राफ्ट आपको कैसे बनवाना होगा उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं, जिससे कि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर बीएड में एडमिशन के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है ये आप सबमिट करेंगे तो अभी आपको सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन फीस है 1,000 रुपए सिर्फ वही देना होगा। और इसके अलावा जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आपको बताया जाता है कि अब आपको फुल प्रोग्राम का फीस पे करना होगा, तो जो फुल प्रोग्राम का फीस है 55,000 रुपए, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सबमिट करना होगा। और डिमांड ड्राफ्ट आप कैसे बनवा सकते हैं, ये आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। और किस तरीके से बनवाना होगा यहाँ पर ये भी आपको बताया गया, फेवर ऑफ इग्नू पेबल, जो भी आपके रीजनल सेंटर का नाम रहता है रीजनल सेंटर के नाम से आपको बनवाना होगा। और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट रहता है उसके बैक साइड में आपको अपना नाम लिखना होगा, प्रोग्राम कोड वगैरह लिखना होगा, सभी कैपिटल लेटर में। यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना पूरा क्रेडिट देना होगा कि आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन वगैरह के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आप 17 अप्रैल तक करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आपको इस वाली वेबसाइट से ऑनलाइन करवाना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा और यहाँ से आप जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले इग्नू का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है बीएड प्रोग्राम का, इसे आप जरूर अच्छे से देख लेना। पूरे 81 पेजों का ये पीडीएफ है, इसको देखने के बाद आपको प्रोग्राम के बारे में और यूनिवर्सिटी का जो रूल है उसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो टाइम निकाल करके पहले ये वाला जो पीडीएफ है इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको प्रोग्राम के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। इसका लिंक वगैरह नीचे दिया गया है, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।